अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू महद भाई व्लॉग। सो यार, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, फिट फाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपका भाई भी ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इंजॉय कर रहे हैं जी अपनी यूनिवर्सिटी में आज। सो जी, अभी निकले हैं बाहर यार, बहुत दिनों से रूम में थे, दिमाग हमारा ख़राब था और तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी, लेकिन अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो अभी तो सबसे पहले निकले डॉर्म से और जा रहे हैं कैंटीन, कुछ खाते पीते हैं और फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको बताते हैं हमारा क्या प्लान है आज। और हम कहाँ निकले हैं, क्या करने लगे। मेरे साथ हैं जी हुरैरा और ये इजाज़। तो आज भाई पकड़ा ही नहीं जा रहा, चेक करो, मर्सिडीज बेंज बना हुआ है भाई, ऐसी गाड़ी बनी है आज। खैर चलो, आपको आज कैंटीन में दिखाते हैं और कुछ खाते हैं और फिर मिलते हैं। तो जी, ये है हलाल कैंटीन। इसके दो फ्लोर हैं, नीचे वाले फ्लोर में हलाल है, ऊपर वाले में कुछ हलाल है, कुछ चाइनीज स्टूडेंट्स वगैरह का खाना है। एक ये है, मतलब हमारी यूनिवर्सिटी में 2 से 3 कैंटीन हैं जो हलाल है। तो चलें अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं इसका सारा सेटअप। और मुझे लगता है आज पहले कस्टमर ही हमें, ये चेक करें इतने स्टूडेंट्स बैठते हैं यहाँ पे। जब भारी होती है ना तो यहाँ पे जगह नहीं होती गुजरने की भी। और डिफरेंट खाने यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सालन वगैरह है, ये भी सारा सालन है। और डिफरेंट डिफरेंट सालन, पता नहीं क्या क्या है इसमें, देख लें यार आप खुद ही। और हमने तो खाना होता है कुछ हल्का फुल्का जो कि हमारा यहाँ पे होता है ये। और ये लाइन लगी है, और ये भाई भी ब्लॉगर ही हैं और अभी हमारी भी लाइन लगी है। यार मैं तो ये खाऊंगा और वगैरह वगैरह वो खाएंगे, पता नहीं क्या क्या लेते हैं। एक मेरा तो हो गया। और ये देखिए, इजाज़ को भूख लगी है, तेरा क्या है? तो ये यहाँ पे ऐसे ऑर्डर होता है और यहाँ पे फिर ये लगाते हैं और आपने सिर्फ स्कैन कर देना बारकोड और आपके पैसे गए। ये ट्रॉपिकाना यार, दस, ये बहुत बेस्ट चीज़ है, बहुत मज़ेदार चीज़ है। और कॉफ़ी नहीं मिली हमें यहाँ से, कॉफ़ी मिली है, चाय नहीं मिली लोगों को, मेरी तो फेवरेट ये चीज़ है भाई। स्टेशन पर पहुँचे अभी यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी से बाहर, वेट कर रहे हैं बस आने का। सनसेट हो रहा है, अभी नज़र तो नहीं आएगा लेकिन देख लें बस इतना ही। यार अभी हम पहुंचे हैं अपने सबवे स्टेशन में, तो लेकिन ये उस साइड वाली आ गई, इस साइड वाली अभी तक नहीं आई। तो अभी हम यहाँ पे अपना डिस्कस कर रहे हैं, देखें ज़रा कैसा ये हमारी किस्मत सारी फुल है और हम खड़े हुए हैं अभी, कोई नहीं, आहिस्ता आहिस्ता खाली हो जाएगी। स्टेशन आ चुका है, अब उतरेंगे और जाके बस पकड़ेंगे और फिर आगे जाएंगे। तो यार फाइनली हम लोगों ने टैक्सी करवा ली हम लोगों ने जाने के लिए एयरपोर्ट, क्योंकि भाईजान आखिर का रास्ता और हमारी जो बस थी ना नंबर 3, वो आया नहीं रही थी। वो इतना रास्ता और हमारी सर्दी से कांपना शुरू हो गए थे सारे, बहुत सर्दी हो गई यार। उधर तो इतनी सर्दी नहीं थी लेकिन यहाँ पर आके बहुत हो गई। तो अब ये बॉयज पीछे बैठे हैं और टैक्सी हमने मंगवाई है, बस 10 मिनट का सफ़र रह गया है, तो इंशाल्लाह चलते हैं एयरपोर्ट। ये पहुंच चुके हैं हम। तो यार अब आपको बताते हैं क्या सर हमारा है सीन। असल में ना हमारे दोस्त हैं एक, और इनके पापा आ रहे हैं मतलब बिजनेस टूर पे ना यहाँ पे। तो चूँकि हम लोग भी रूम में बैठे हुए थे पागल हो रहे, तो हमने सोचा कि चलते हैं कुछ प्लान करते हैं, बाहर आउटिंग करते हैं। हमारा अपना प्लान बनना था, इजाज ने आना था एयरपोर्ट पे, तो कहता यार अगर आप लोगों ने भी जाना है तो उसके बाद मैंने भी डाउनटाउन जाना है जहाँ पे उनका होटल बुक करवाया हुआ, तो चलो हमारे साथ पहले एयरपोर्ट चलते हैं, फिर उसे रिसीव करते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो हमारा ये प्लान था बस अभी हमारे रिसीव करने के लिए। और यहाँ पर बहुत आवाम बैठी हुई है जो कि रिसीविंग मोड पर लगे हुए हैं हमारी तरह अभी तक। कुछ लोग बाहर आ रहे हैं, ऐसे होता है यहाँ पर, तो बस उनको लेते हैं फिर निकलते हैं आगे, और अच्छी सी बात थी। लेकिन ये हमारी आउटिंग होगी, हम बस इसी में खुश हैं कि हमारी थोड़ी सी आउटिंग होगी है, बंदा रूम से बाहर निकला और सर दर्द थोड़ी कम हो गई, क्योंकि हमारी रूटीन बड़ी ख़राब जा रही है, बड़ी सीधी सी बात है। हाँ दाद भाई ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है, बस वेट कर रहे हैं यार, सारी वेट कर रहे हैं। चलो जी यहाँ पे वेट हो रहा है, तो वेट करते हैं फिर देखते हैं क्या बनता है, अभी तक वो आ जाए फिर निकलते हैं आगे आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हो रहा है इंतज़ार और अभी तक तो नहीं आए, अभी मतलब निकलना शुरू हो गई है वहाँ, हमारे जो है वो नहीं आए। और यहाँ पे हमारा दिल कर रहा है हम स्टारबक्स की कॉफ़ी पिए, पीनी तो नहीं चाहिए लेकिन चलो कोई नहीं, खैर पीते हैं। कॉफ़ी ऑर्डर हो गई है जी और अब हम लेते हैं और इंतज़ार करते हैं, क्योंकि नाश्ता नहीं करके आए हम लोग,
सिर्फ हमने छोटी मोटी चीज़ें खाई हैं, आपके सामने पेट भरा हो तो नहीं हुआ हमारा, तो इसलिए कॉफ़ी पीते हैं, उसके बाद जाके कुछ चिलन चिलन करेंगे जहाँ पे हुआ। ये यहाँ पे देखा रिसीव करने और यहाँ पे ये कॉफ़ी, और ये जी हमारी कॉफ़ी, और अभी तक वेट हो रहा है और अभी हम उनसे बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं बस मैं आ गया 5 मिनट के अंदर अंदर। कॉफ़ी बहुत कड़ा के भाई को तो होश आ गई है। वो साइड सामने वाली साइड सारी चाइनीज़ की है, वो फुल है, मतलब इतनी जल्दी लोग आ रहे हैं बाहर। ये पिया ही है कि जो लोग हैं ये बस यू नो बस क्या ही कहें इनको। ये फाइनली हमने रिसीव किया, हम बाहर निकले हैं और अभी हम जा रहे हैं, हमने टैक्सी ऑर्डर की है वहाँ पे। यहाँ पे जी हमारा दीदी का वेट हो रहा है, ये ई पार्किंग है जी इनकी, कि बस आपने बुक करा देना है वहाँ से आपकी गाड़ियाँ आती जाएंगी और आप बैठेंगे और निकल जाएंगे आगे को। अभी हम बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं, हमारी तो नहीं आई अभी तक, गपशप बाजरी अंकल के साथ। ये निकले हुए वापसी हम अभी, और रश बहुत है यार एयरपोर्ट से वापसी पे, क्योंकि डोमेस्टिक फ़्लाइट्स उनकी बहुत ज़्यादा आई हैं, इसकी वजह से रश है, क्योंकि इनका न्यू ईयर आने वाला है और जो न्यू ईयर आने वाला हो तो इनका आना जाना दूसरे शहरों में अपने अपने घरों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये सीन है जी इनका। और बस अब हम भी इंजॉय कर रहे हैं डायरेक्ट होटल। फाइनली ये भी उतरे हैं यहाँ पे होटल और अंदर जा रहे हैं, और ये चेक करें यार क्या भाई भाई इधर आके तो आहा, चेक करो ज़रा, चलते हैं अब अंदर। और मैं सच्ची बताऊँ तो मैं गाड़ी में थोड़ा सा सो गया था, मुझे नींद बहुत आई हुई थी, मैं मज़े से सो गया था, तो अब यहाँ पे मैं रास के साथ जाता हूँ, तुम लोग उधर जाओ वेट करो। ये बड़ा मसला कि यहाँ पे भी ये काउंटर पे भी इंग्लिश नहीं बोलते यार, कसम से चाइनीज़ बोलनी पड़ती है यहाँ पे भी। सो आओ मेरे साथ, आप लोग देखो होटल है, और यार मज़े का होटल है यार। यहाँ पे ना एक्सपो हुआ था हमारी यूनिवर्सिटी का एक बारी, तो कि हम नहीं आए थे, तो जो आए थे उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि यहाँ पे जाओ, ये बेस्ट होटल है बीजिंग का, और लग भी रहा है यार ज़बरदस्त, चेक करो ज़रा, कारपेट भी यार क्या बात है। अब आ गया हमारा इतना सा तो काम हो गया, अब चलते हैं आगे, आपको ये दिखाता हूँ यार, ये चेक करो ये एलिफेंट बनाया है, कितना खूबसूरत लग रहा है यार, स्टोन वर्क के, सारा स्टोन भी लगे हुए ज़बरदस्त किस्म के। वहाँ पे वाईफाई सेटिंग हो रही, मैं आपको रूम टूर देता हूँ छोटा सा, ये बाथटब और ये आपका भाई, क्या बात है, और ये सारा कुछ, और ये भी आपका भाई। नेक्स्ट चलें जी, ये बेडरूम है जी, और उधर आपको व्यू बाद में दिखाता हूँ, ये आप देख लें जी सारा कुछ, वार्डरोब, ये कॉफ़ी सेटअप सारा इसके अंदर है, वो आपका टेबल, ये सीटिंग, और ये चलो 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 सबसे अच्छा हमारी स्टूडेंट्स का जो होता है ना यहाँ पे सबसे ज़्यादा मज़े की चीज़ ये होती है कि हमारे लिए ये चाय की पत्ती जो होती है ना, जो चाय पीते हैं चाय लवर्स, उनके लिए पत्ती आ जाए, ये ऐसे खुश होते हैं कि भाई मैं आप लोगों को क्या बताऊँ कैसे खुश होते हैं लोग। इसकी हंसी देखो, अभी इसकी चाय आ गई है बस इधर भी। और अब हम जा रहे हैं नीचे और आपको थोड़ा सा रिव्यू देते हैं होटल का, और फिर जो है अपने वापस डोम चलते हैं। यार आप ये देख लें मेरे साथ थोड़ा सा होटल का व्यू, और फिर हम निकल रहे हैं, और अभी कल का जो प्लान बने हैं वो पता नहीं क्या क्या हैं, तो उसमें हो सकता है हम ना आए, तो बस ये सीन है सारा, और चलें बाहर। आप वापिस हम लोग होटल से, और ये व्यू चेक करें यार, खूबसूरती इन्होंने फुल की हुई है सजावट, और बहुत ही मज़ेदार जगह। अब चलते हैं सबवे स्टेशन पे, और ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि -5 टेम्परेचर हुआ है, और भाई ने आज कैब नहीं खाने की, तो मुझे सभी बहुत शकील लग रही है,
तो अल्लाह खैर करे, बस अब सफ़र में चलते हैं वापस से अपनी टाउन में गरीब खाने में। इसी के साथ भाई हम लोगों का सफ़र आ गया है, चेक करें। और अब यहाँ पे वेट हो रहा है, 2 मिनट रहते हैं ट्रेन को आने में। और हमारे स्टेशन हैं 8, चाओयोजू जाना हमने, उसके बाद जाएंगे 13 से लोंगजी, तो उसके 5-6 स्टेशन हैं, उसके बाद ये सफ़र करो हमारे साथ। आप हमारे साथ करो, हम आपके साथ करते हैं, हम इनके साथ करते हैं। यानी यार आधे घंटे बाद हमारा लोंगजी स्टेशन आ गया है, और ये हम ड्राइवर के पास बैठे हुए थे, अभी निकलते हैं बाहर। तो जी यहाँ पे अब हो रहा है जी वेट, क्योंकि रात 9 बजे के बाद जो हमारे यूनिवर्सिटी के पास जाती है ना बस, वो बंद हो जाती है। बाकी चलती हैं लेकिन यहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटी वाली साइड पर नहीं जाती, इसलिए अब हमने टैक्सी ऑर्डर की है। अब टैक्सी आएगी और हम बैठेंगे, तो तब तक के लिए अभी यहाँ पे खड़े इंतज़ार कर रहे हैं ठंड में। बस मैं आप लोगों को एक मज़े की बात बताना चाहता हूँ, टैक्सी हमारी आ गई है। तो ये मेरा, हम सब का, मेरा और गुरेरा का भी, इजाज़ का हमें कन्फर्म नहीं है, हमारा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है कि हम किसी लेडी टैक्सी ड्राइवर के साथ बैठे हैं आज फर्स्ट टाइम। डर लग रहा है आपको पता ही है, लेडीज ड्राइवर जो है। सो ये सीना भी इजाज़ भाई साहब गप्पे शप्पे मार रहे हैं, बस पहुंचने वाले हैं हम अपने यहाँ, बस अल्लाह करे पहुँच जाए। क्यों रहे आपको, क्या बयान है डर लग रहा है, इतनी देख रही है जो है ना, बस अल्हम्दुलिल्लाह जी फाइनली यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं जी। और अपना व्लॉग भी अपने यहाँ पे एंड करना था, तो हमें बड़ा मज़ा आया, लेकिन ठंड बहुत लगी है जी, हमने इंजॉय भी किया काफ़ी। सो आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दिए करो भाई, और सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को, और कमेंट में बताओ फिर क्या चीज़ पसंद आई है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।